दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमके सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज फिर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं। पशुपालक भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए काफ़ी इसको ध्यानपूर्वक सुनने, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। जो आम ये बीमारी हुआ करता है बरसाती सीजन में, या एक सीजन आता है जिसमें खुरपक्का मुँहपक्का बीमारी होता है, इससे किसान भाई बड़ी परेशान हो जाते हैं, पशुपालक भाई बड़ी परेशान हो जाते हैं और उसमें इवेन मवेशी के डेथ तक हो जाता है। तो उस कंडीशन में आज इसी चैप्टर में हम बात करेंगे। दोस्तों अगर दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जो भी हमारा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अब तक जाता रहेगा दोस्तों, मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग मुँहपक्का खुरपक्का खुरहा रोग भी इसको बोलते हैं, उसी का आज हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले दोस्तों खुर में यदि किसी प्रकार का खुरहा रोग हो गया है, खुरपक्का रोग हो गया है, तो उसको साफ सफाई एकदम बेहतर ढंग से करते रहें, वॉशिंग उसको रेगुलर करें, उसमें कीड़ा पड़ जाए उसको हटा करके वॉश करें। कैलेंडुला आप ले लेंगे, कैलेंडुला क्यू से आप उसको वॉश करेंगे, साफ करेंगे, साफ करते रहना है और एक कॉटन कपड़ा उस पर बांध देना है। कैलेंडुला मडट इंचर क्यू पोटेंसी में, क्यू में लेकर के उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी में, लाइट गुनगुना लिक्विड वाटर में डाल करके 20 बूंद 40 बूंद, और उसको कपड़ा से साफ करेंगे। सूख जाएगा तो फिर उसमें कैलेंडुला क्रीम लगाएंगे और इससे काफ़ी राहत मिलेगा दोस्तों। अब चलिए अब खाने के लिए मवेशी को कौन कौन सा दवा सूटेबल होगा इस रोग के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इस खुरपक्का रोगों में और मुँहपक्का रोगों में मर्कसोल काम करता है दोस्तों। तो मर्कसोल 200 पोटेंसी में आप लेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, आप SBL के भी ले सकते हैं, डॉक्टर एक्वेक के भी ले सकते हैं, स्वाबे के भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा दवा स्टैंडर्ड दवा ले, डॉक्टर एक्वेक के लेंगे तो बहुत जल्दी काम करेगा। तो चलिए दोस्तों उसमें मर्कसोल 200 पोटेंसी में लेना है, एक रोटी में 10 ड्रॉप डाल करके, यदि ज़्यादा मात्रा में है तो आप एक एक घंटा पर भी रिपीट कर सकते हैं, अन्यथा उसको 3 बार दिन में दे। नेक्स्ट दोस्तों सेकेंड इसमें मेडिसिन है खुरपक्का में, और उसमें आप इसमें हीफर सल्फर भी दे सकते हैं, सुखाने का काम करेगा। तो उसमें से भी 200 पोटेंसी का लेकर के वो भी वैसे ही 10 ड्रॉप रोटी में डाल करके उसको 3 बार 4 बार दिन में दे, उससे बहुत जल्दी आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, मवेशी का सुधार हो जाएगा। और ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया होगा तो इसमें बेलाडोना भी 200 पावर में आप दे सकते हैं, 10-10 ड्रॉप सभी दवा में बेलाडोना 200 पोटेंसी में आप एक्यूट उस शुरुआती में ही बेलाडोना काम करेगा, उस कंडीशन में आप दे सकते हैं, अन्यथा यही मर्कसोल और हीफर आप चलाएं उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों, दो ही दवा से। और खुरपक्का मुँहपक्का फिर बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा। और हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि जिस एरिया मवेशी रह रहा है वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है, मवेशी के साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है। उसमें क्या है, मुँह से वो मवेशी खा नहीं पाता है, चाहे गाय हो भैंस हो, उसको काफ़ी खाने में परेशानी होता है, बहुत बड़ा बड़ा छाला हो जाता है और ये बहुत ख़राब बीमारी है। तो इसी के लिए दोस्तों यही दो दवा का प्रयोग करें, आपका मवेशी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक, आपसे आग्रह पूर्वक विनती है कि लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन बटन को प्रेस करें। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।